देखिए यहाँ से इस पूरे एरिया की शुरुआत होती है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर अगर आप उतरेंगे तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर आप ये बैरिकेटिंग्स देखेंगे। अब यहाँ पर बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ गया है। ये बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है। इन बैरिकेटिंग्स के आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको वो एरिया नजर आएगा जहाँ पर स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जहाँ पर बुलडोजर भी अपना काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए सड़क आपको यहाँ चौड़ी नजर आ रही होगी, मेरे कैमरा सहयोगी डोगरा जी आपको दिखाएंगे कि सड़क यहाँ पर चौड़ी है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये इलाका झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है। राजेंद्र नगर पॉश इलाकों में से एक है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और देखिए बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ही एग्जाम के लिए बच्चे कोचिंग किया करते थे। अगर ये बिल्डिंग भी आप देखेंगे तो वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस एग्जाम है। यानी ये भी एक ऐसी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां बच्चे आकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई किया करते थे। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। जिस एमसीडी को लेकर यहाँ सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो एमसीडी की गाड़ियां अब आपको यहाँ पर तैनात जरूर नजर आएंगी, लेकिन यही एमसीडी अगर वक्त रहते कार्रवाई करती तो शायद यहाँ 3 बच्चों की जान ना जाती और उन अभिभावकों के आंखों में आंसू ना होते जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ अफसर बनने के लिए भेजा था, उज्जवल भविष्य के लिए भेजा था, लेकिन उनके पास जाती है एक ऐसी सूचना जिससे उनका पूरा जीवन अंधेरे में चला जाता है, उनके घर के जो चिराग हैं वो बुझ जाते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और बैरिकेटिंग नजर आएगी और ये बैरिकेटिंग अब दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट करके अपना जो विरोध है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जहां तक मेरी नजर जा रही है ये पूरा एरिया मुझे चौड़ा नजर आ रहा है। सड़क मुझे पूरी चौड़ी नजर आ रही है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ सपनों को सच करने वाले या सपनों की राह दिखाने वाले वो इंस्टीट्यूट जरूर नजर आ रहे हैं जो बच्चों की कब्रगाह बन चुके हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए मौत का सबब साबित हो रहे हैं। आप इधर नजर दौड़ाइए, यहाँ पर आपको एक और अकेडमी नजर आएगी। हालांकि यहाँ बुलडोजर ने अभी अभी कार्रवाई की है। वो एमसीडी का बुलडोजर जो पहले चलना चाहिए था वो एमसीडी का बुलडोजर चला तो सही, लेकिन वो तब चला जब कीमत 3 बच्चों ने अपनी जान देकर गवाई। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर नाला है और इस नाले पर एनक्रोचमेंट किया गया था, यानी इसको ढक दिया गया था। अब दावा ये किया जा रहा है कि अब जो ये आप पाइप देख रहे हैं, ये जो मलबा देख रहे हैं, यहीं से पानी निकलने की व्यवस्था थी, लेकिन पानी निकल नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के जो पत्थर हैं, इस तरीके की जो सेल्टिंग है वो यहाँ पर लगा दी गई थी और पूरी तरीके से ढक दिया गया था, यानी कि एनक्रोचमेंट किया गया था। और अभी इसी एनक्रोचमेंट को इस एरिया से हटाया गया है ताकि राजेंद्र नगर एक बार फिर से ना डूब जाए और फिर से कोई बच्चा अपनी जान की कीमत यहां पर ना चुका पाए। अब जो अभिभावक हैं उनके मन में प्रश्न यही है कि हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो बच्चे कितने सुरक्षित हैं, कोचिंग सेंटर्स जो हैं, जो कोचिंग सेंटर्स के संचालक हैं जो मनमानी करते हैं वो मनमानी कब रुकेगी और जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार की भेंट कब तक स्टूडेंट्स चलते रहेंगे। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए हमें कुछ और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अभी जो बुलडोजर से टूटा हुआ हमने आपको नाला दिखाया, यहाँ पर बुलडोजर वही काम कर रहा है। आप मेरे कैमरे की नजर से देखेंगे कि बिल्कुल नालों को अब साफ किया जा रहा है। जहाँ पर आपको फर्श नजर आता था, जहाँ पर आपको सेल्टिंग नजर आती थी, शेल्टिंग नजर आती थी, वहां पर अब मोटे मोटे पत्थर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले जब शिकायत की जा रही थी, आप इस पूरे इलाके की अगर कहानी को समझिएगा कि तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमने बार बार शिकायत की, हमने बार बार बताने की कोशिश की, यहाँ जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ ये रोड पूरी पानी से भर जाती है। आप समझिए कि दिल्ली में अभी कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार बारिश नहीं हुई है, कुछ कुछ मिनट की बारिश होती है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ घंटों की बारिश यहाँ पर हो जाती है, उसके बावजूद इस रोड पर पानी भर जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी चौड़ी रोड और यहाँ पर पानी भर जाता है। अब ये एमसीडी के वाहन यहाँ पर आपको जरूर गुजरते हुए नजर आएंगे। अपने शहर को साफ सुथरा रखें, ये एमसीडी की लाइन आपको नजर जरूर आ जाएगी, लेकिन शायद पहले साफ सुथरा रखने का काम अगर शुरू हो जाता है एमसीडी की तरफ से तो ये रोड पर पानी ना भरता, 3 बच्चे अपनी जान ना गवाते। आप सोच सकते हैं कि आपका बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, माँ बाप बेफिक्र होकर बच्चे को शायद 2-3 घंटे फोन भी नहीं करते कि बच्चा सुरक्षित जगह
यहाँ पर है, पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करते हुए अगर ये सूचना पेरेंट्स के पास पहुंचे कि आपका बच्चा अब नहीं रहा है, तो आप सोचिए कि उन पेरेंट्स पर क्या बीत रहा होगा। अब जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ रहे हैं, अब देखिए एमसीडी का एक और बड़ा सा ट्रक आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसी एमसीडी की भूमिका पर तो तमाम सवाल हैं कि ये एमसीडी के बड़े बड़े ट्रक या एमसीडी की छोटी छोटी गाड़ियां अगर पहले यहाँ पर तैनात होती, शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाता, तो शायद इस तरीके की घटना यहाँ पर ना होती। अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक और बैरिकेटिंग नजर आ रही है, और ये बैरिकेटिंग है उस कोचिंग सेंटर के बाहर जहाँ 3 बच्चों ने अपनी जिंदगी गवाई है, और 30 से 35 लगभग ऐसे बच्चे थे जो जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए नजर आ रहे थे। ये वो बैरिकेटिंग है। यहाँ पर देखिए पुलिस की तैनाती है, आपको तस्वीरें एक बार दिखा दूं, यहाँ पुलिस की तैनाती है, और यहीं से बेसमेंट के अंदर जाने का रास्ता है। उस